कटा हुआ मसाला जो मैंने काटा है अभी, तो अभी घी गरम हो रहा है तो अभी इसमें डालेंगे ये मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ है, मेरी दुआ है जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद अता फ़रमाए, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला आयज़ा अता फ़रमाए, जो जहाँ भी परेशान हैं जो भी दुख तकलीफ़ में हैं अल्लाह ताला उन सब की दुख तकलीफ़ें जो है दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमेशा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो अभी जो है मैं ना रोटियां बना के वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुबह जो है चाय भी नहीं बनाई थी और आज ही साहब जो है सुबह सुबह चले गए थे अपने काम के लिए, वो स्प्रे करने के लिए गए हुए हैं कपास को। तो फिर अभी जो है वापस आने वाले हैं तो उसके लिए जो है मैं खाना बना रही हूँ दोपहर का, क्योंकि दोपहर का और नाश्ता जो है हमारे खाना और नाश्ता जो है एक साथ होता है, तो इसलिए तो अभी जो है मैं बना रही हूँ दाल की रेसिपी दोपहर के लिए। तो क्योंकि दोपहर को फिर वो स्प्रे से जब वापस आएंगे तो ऐसे जैसे कभी मिर्चें कभी प्याज कभी ये खा लेते हैं, लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ना कुछ ख़राब चल रही है, तो इसकी जिसकी वजह से ना उसे लस्सी भी देती नहीं हूँ अभी। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी दाल बना देती हूँ ताकि वो जब आएंगे, उन्होंने कहा था कि स्प्रे लगा रहा हूँ तो आज आपने नहीं आना, मैंने कहा ठीक है तो मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ना सालन वगैरह जो है बना के रखना, क्योंकि मुझे खाना लस्सी वगैरह से नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है आप जाएँ स्प्रे करने के लिए तो मैं बना दूँगी। तो बाकी काम जो है हो चुका है और मैंने रोटियां भी बना ली हैं तंदूर पे, तो अभी आ चुकी हूँ और मसाला काटने बैठी हूँ। ये देखें ये हो गया टमाटर और प्याज और हरी मिर्च, और ये रहा सूखा लहसुन, लहसुन छील रही हूँ अभी। तो प्यारे बहन भाई हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, तो अपने राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि हम इतने मेहनत से जो है व्लॉग बनाते हैं तो आप सब बहन भाई हमें जो है सपोर्ट करें, आप सब बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से बना रहे हैं। तो आप सब बहन भाई हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा चैनल ग्रो होगा और हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, तो हम सब बहन भाइयों को दुआ देंगे, क्योंकि हमारे पास ना और कोई रास्ता भी नहीं है। मोबाइल जो है हमारा वो भी ख़राब हो चुका है, कभी कभी जो है इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, कभी ब्लैक हो जाता है, कभी जो है सफ़ेद हो जाता है, कभी चलने शुरू हो जाता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। तो मैं चाहती हूँ कि सब बहन भाई जो है हमें सपोर्ट करें, हमारी हेल्प करें, ताकि हम जो है मोबाइल न्यू ले सकें। न्यू ना ले तो कुछ ना कुछ इससे तो बेहतर हो जो मतलब व्लॉगिंग कर सकें। तो अभी जो है ये बातें तो होती रहेंगी, सब बहन भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो माशाल्लाह साके महमूद ने तो खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया आपने? नहीं नहीं किया। ये देखें रोटी अभी बची हुई है, ये लस्सी भी बची हुई है अभी। लस्सी वो जो है ना। अच्छा जी, अभी काटेंगे मसाला, वो भी सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे, जैसे जैसे दाल बनाएंगे वो भी सब बहन भाइयों के साथ। माशाल्लाह जी अभी जो है मैंने टमाटर हरी मिर्च और प्याज जो है काट लिया है, अभी जो है मैं लहसुन काट रही हूँ क्योंकि वो नहीं है। वो दमरी मौला जिसके साथ काटते कूटते हैं, इसको पीस के फिर डालते हैं ना, वो है नहीं, तो इसलिए जो है मैं इसे बारीक बारीक काट के फिर डालूंगी, फिर डालूंगी। तो मेरे साथ जो है आके महमूद भी बैठे हुए हैं, सलाम दुआ नहीं करना, कैसे हो?
ये देखे किताबें जो है यहाँ पे खिल रही हुई हैं और ये साहबजादे इधर उधर घूम रहे हैं। चलें बहन भाइयों को सलाम करें। नहीं बुरी बात, बहन भाई सोचेंगे आके महमूद बहुत बुरा हो चुका है, सलाम दुआ भी नहीं करता, फिर वो हमारी वीडियो भी नहीं देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? मैं तो आप सच में कौन ज्यादा खुश है? सतरे लम तो मैं ठीक कर मैं छोटे बड़े सब ठीक है। माशाल्लाह जी, ये तो आके महमूद का भी सलाम दुआ हो गया। तो अभी हमारा मिसाला भी इधर से काट चुका है, फिर काठियां वगैरह रखते हैं चूल्हे पे और जो भी सामान रखना है वो रख लेंगे। उसके बाद जो है जैसे जैसे बनाएंगे वो भी सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह जी, अभी जो है आप चूल्हे पे पहुंच चुके हैं, मैंने लकड़ियां वगैरह भी ले आई हूँ और आग भी माशाल्लाह जला दिया है और देगची में घी भी डाल दिया है ताकि मिसाला वगैरह भुने। तो ये हो गई जी दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई है और ये रहा कटा हुआ मिसाला जो मैंने काटा है अभी। तो अभी घी गरम हो रहा है तो अभी इसमें डालेंगे ये मिसाला। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, इसे भूनेंगे। आज ना और तरीके से दाल बनाएंगे, ऐसे ही हवा इतनी चल रही है, देखिए टोकरी उठकर वहाँ पे पहुँच चुकी है। आपने रखी है हवा के साथ वहीं पर पड़ी है, हवा के साथ उड़ गई है। हाँ जी, तो जैसे मिसाला भून जाएगा उसके बाद जो है फिर ये और दूसरे मिसाले डालेंगे, पीसे हुए जैसा कि नमक मिर्च हल्दी वगैरह जो भी चीज़ें डालनी होगी वो डालेंगे। तो रहना है हमारे साथ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो माशाल्लाह जी, हमारा प्याज जो है भून चुके हैं, हरी मिर्च टमाटर वगैरह, अभी जो है इसमें लाल मिर्च ऐड करते हैं, हल्दी, ये हो गई जी हल्दी और मिर्ची, ये हो गई लाल मिर्च। नमक भूल गई हूँ लेकर नहीं आई, फिर वो डालते हैं। अभी इसे अच्छे से करते हैं मिक्स, इसको थोड़ा सा पानी का छिलका लगाते हैं ताकि ये जल ना जाए मिर्ची वगैरह। तो अभी जो है इसका जो है पानी निकालते हैं, दाल का जो हमने भिगो के रखी हुई है, क्योंकि अभी डालने की बारी आ चुकी है इसकी। माशाल्लाह ये देखें कैसे भीगी हुई दाल जो होती है ना, बहुत ही अच्छी बन जाती है। इसको ना अच्छे से धोते हैं, पहले तो मैंने धो के ही भिगोई थी, फिर जो है इसको जो भी ये होगा फिर ये भी साफ़ हो जाएगा, धूल मिट्टी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। हमारा मिसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अभी इसको दाल डालना बाकी है। अभी इसका पानी निकाल के फिर इसे डालते हैं, फिर इसकी करेंगे भुनाई करेंगे बस। इसको ना पानी वगैरह जो है आज नहीं डालेंगे, क्योंकि आज पानी वाली दाल बनाने का मेरा मूड नहीं। दाल भी ऐड कर दी, इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। माशाल्लाह जी, ये देखें हमारी दाल की जो है भुनाई हो रही है। अब ये देख सकते हैं कैसी लग रही है।
अभी तक ना मैंने नमक नहीं डाला, वो मैं भूल चुकी हूँ। अभी डालते हैं इसमें नमक। माशाल्लाह जी, ये देखें, ये आ गया जी नमक। अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं, इसे अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। इसका गलने तक का करते हैं इंतज़ार, जैसे गल जाएगी फिर इसको उतार देंगे अच्छे से भुनाई करके। माशाल्लाह जी, हमारी दाल जो है बनकर तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, इसको अब उतारते हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लुक चेक करें, आज मैंने ऐसी दाल बनाई है। उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने रेसिपी बनाई है सब बहन भाइयों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमारे विलेज का और हमारे यहाँ की वो क्या कहते हैं रेगिस्तान चालिस्तान, हाँ जो भी कह लो, इसका जो है ये दोपहर की रूटीन है। ये देखिए हवा बहुत चल रही है, हरे भरे से दरख्त हैं और वहाँ पे जो है बच्चे देखें, मैंने इन्हें कहा है होमवर्क करो और ये खेल रहे हैं। चले जी, अभी जो भी आगे रहेंगे सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। वेलकम प्यारे बहन भाइयों, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब कैसे होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो नए वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। क्योंकि मैं जाना सुबह से गया हुआ था काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जाना कपास को करनी थी स्प्रे, तो इसलिए वहाँ से अभी अभी वापस लौटा हूँ और फ्रेश हुआ हूँ, क्योंकि स्प्रे वगैरह की यानी कि वो जहर होती है ना, तो दवाई वगैरह वाले जो है ना कपड़े वगैरह जो है उतार दिए हैं और उसको जो है ना उतार के रख दिया है, और नहा धो के फ्रेश होकर अभी अभी आया हूँ वापस। अभी करते हैं नाश्ता, तो उससे पहले ये बात भी शेयर करनी जो है ज़रूरी थी कि मैं जो है ना काम पर गया था, इसलिए सब बहन भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना अमन और बच्चे जो है ना इंतजार में बैठे हुए हैं, देखिए लस्सी का जो है जग माशाल्लाह बना के बैठी हुई है अमन, और बच्चे यहाँ पर हैं माशाल्लाह, और तवे की रोटी नहीं जी, तंदूर की रोटी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तंदूरी रोटी दाल और इसके साथ लस्सी का जग माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खाना हो तो आके जल्दी जल्दी खा सकता है हमारे साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह से बचाए, आमीन आमीन। बाल मेरे तरह हैं बड़े बड़े, तो करें नाश्ता। हाँ जी, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, ये नाश्ता है या 12 बजे? 12:30 हो गए। नाश्ता दोपहर की रोटी एक साथ है, मैं तो दोपहर की रोटी चले ठीक है जी, दोपहर की रूटीन है हाँ। चले माशाल्लाह जी, क्योंकि मैं अभी भी वापस आया हूँ सुबह सुबह, मैंने बहन भाइयों से मैंने कहा कि हम शाम की रूटीन भी शेयर करते हैं, सुबह की करते हैं, और आज जो है हम दोपहर की भी रूटीन शेयर करते हैं सब बहन भाइयों से। अच्छा, आज यानी दोपहर की शेयर रूटीन शेयर करें, मेरे लिए तो ये सुबह का नाश्ता भी है और क्या कहते हैं दोपहर का भी है। अच्छा, मेरा इंतजार कर रहे थे, चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह करते हैं नाश्ता, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो भी माहौल होगा सब बहनों के साथ शेयर करेंगे। तो की हरकतें आते ही ताकि इधर है और आके भी जाना, यहाँ पर लड़का हुआ है, क्या कर रहे हो भाई, क्या लड़क क्यों रहे हो ऊपर, वापस आ गए हो घर? आपके कपड़े वहाँ पर हैं, यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है, फिर आप फिर दोबारा चलेंगे वापस? अच्छा, तो और सुनाओ, गर्मी है इधर? उधर उधर नहीं है, हवा चल रही है। आपको क्या हुआ आता है? बीपी लो, पानी ले आओ ना। हेलो, क्या हुआ?
क्या हुआ? गर्मी लगी है, थक गए। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, कैमरे की आंख आपको हर तरफ से देख रही है इधर। अच्छा जी, आप साथ बैठी हुई थी इसलिए बड़ी खामोश बैठी हुई है। क्यों? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं, बड़ी जो है ना खामोशी से बैठी हुई थी। आपने तो कैमरा खोल दिया इसलिए हम खामोश हो गए। ऐसी खसूसी बात थी? खसूसी बात नहीं, उधर जाने की बात हो रही थी। जा सुनाए, कभी ऐसी याद सकून है? बहुत मस्त माहौल में मौजें लगी हुई हैं मच्छरों के साथ। मच्छरों के साथ रहना तो है मच्छरों को। भाई ठीक है? ठीक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उदास तो नहीं है ना हमारे सिवा? क्यों? हमारे बगैर तो खुश है ना? हमारे बगैर तो खुश है, बच्चों के बगैर उदास है। हमारे बगैर खुश है यानी कि हम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों की वजह से है। अच्छा, ये देख लें, भाभी के काम चेक करें। बड़ों से ना बच्चे प्यारे होते, पहले आप लोग याद आती थी, अब बच्चे हो गए ना। चलो किसी बहाने किसी की तो याद आती है, चलो उनके बहाने हमारी भी याद आ जाती होगी। आप सुनाए कैसे हैं, तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, सब खैरियत है। कपास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ठीक है और वहाँ का माहौल भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ इसको? साकिब ने मारा है? और अब चलना है कि रुकना है? आपकी मर्जी। आपने अगर जाना है, अगर चलना है तो चलें, नहीं जाना तो आपकी मर्जी। जो मैं काम लेकर आए थे वो तो करें। वही तो कह रहा हूँ, चले। आप मामा के साथ क्यों आएंगे? आपकी खची फटी हुई है, चलें सिलाएं। चल पहले आप अपनी तमीज जो है ना सेट करें, तमीज सेट करवाएं। खत्म हो चुके हैं बच्चों के। क्या पूछते हैं कपड़ों के बारे में? जूता बिल्कुल टूट गया था, मैंने कहा जूता तो ला दो इसका। वो जैसे पिछली बार हमने बताया कि और धागा लिया, सुई ली और सीना सी के दे दी, लेकिन न्यू नहीं ले सकती। आपको पता है क्यों, कौन सी चीज का आप जो है ना आपसे दुखी हुई है? तो चले, मैंने इसको भी चार्जिंग करना है, बैटरी को भी। सऊदी से आए थे ना, पानी पर जाता हूँ तो फिर बहुत मसला होता है। जूता बराबर दे, जूता तो सिलाई करके पहना दिया वो। चलो दो चार दिन निकल जाएंगे, लेकिन इसके सिवा नहीं निकलता ना रात को। इस बार तो पानी कम था, लेकिन फिर भी 14 की रात, चांदनी की रात थी, माशाल्लाह ऐसा लगता था जैसे दिन था, लेकिन फिर भी लाइट की जरूरत होती है ना। वो सांप वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। चले जैसे वो हम जब खा जाते हैं ना। ठीक हो गया, चले फिर चलते हैं। मैं चलूंगा। किधर जाना है आपने? आप अपनी मम्मा के साथ जाओगे? मम्मा के साथ क्या करने जाओगे आप? आपने ना मार मार के उसकी तबीयत देखी। चले ठीक है फिर, चले चले चलो चले।